जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली प्राइम में कुछ जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है 2000 रुपया, कैश पेड किया जा रहा है राज को 6000 रुपया, कैश डिपोजिटेड हो रहा है बैंक में 1500, रेंट पेड किया जा रहा है बाई चेक के थ्रू 5000, परचेज किया जा रहा है सामान कैश में 10000 का, और सोल्ड किया जा रहा है गुड्स कोई सामान 12000 का। तो दोस्तों ये जो आपको 6 जर्नल एंट्री जो दिख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। इसे हम लोग बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे एंड हम इसे टैली प्राइम में एंट्री करके देखेंगे कि इसका एंट्री हम लोग किस वाउचर में करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंटरेस्ट रिसिप्ट 2000 रुपया, यानी जो इंटरेस्ट का पैसा है, जो इंटरेस्ट का पैसा हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं 2000 रुपया, इसका हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करेंगे। तो ये पैसा रिसिप्ट हो रहा है दोस्तों, जब भी पैसा आपके पास अगर बिजनेस में आ रहा होता है तो पैसा हमेशा डेबिट के सामने होता है, और पैसा अगर आपके बिजनेस से जा रहा होता है तो पैसा हमेशा क्रेडिट के सामने होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट का पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं तो ये पैसा मेरे पास आ रहा है यानी कैश के रूप में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट के सामने कैश, और क्रेडिट के सामने क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट के सामने यह पैसा क्या चीज़ का है, तो पैसा है इंटरेस्ट का, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट के सामने टाइप करेंगे इंटरेस्ट। अब ये दोस्तों जर्नल एंट्री तो आपका यहाँ पे हो गया, लेकिन इसको हम लोग कंप्यूटर में कहाँ बनाएंगे। तो ये पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो ये टैली प्राइम के F6 वाउचर में चला जाएगा, क्योंकि यह रिसिप्ट हो रहा है पैसा, तो F6 का शॉर्टकट की होता है रिसिप्ट, यानी जो रिसिप्ट वाउचर है उसमें हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे टैली प्राइम को ऑन करनी होगी और एक न्यू कंपनी बनानी है। तो टैली प्राइम ऑलरेडी आपको खोलने आता होगा, आप टैली प्राइम पर डबल क्लिक करेंगे, टैली प्राइम आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है। टैली प्राइम फर्स्ट स्क्रीन में इसी तरह के इंटरफेस में खुलेगा। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको एक नाम से कंपनी बनाना है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ABC के नाम से कंपनी बना रहे हैं, एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा। हम यहाँ स्टेट में दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोल ए करके इसे सेव कर लेते हैं। दोस्तों जब सेव हो जाएगा तो आपकी जो टैली है कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखाई देगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें वाउचर में जाना होता है, टैली प्राइम के वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका खुलता है वो पेमेंट वाउचर खुलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, यानी ये जो वाउचर खुला हुआ है ये आपका पेमेंट खुला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में देखिएगा तो। और जो पहला क्वेश्चन आपको जो है वो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन रिसिप्ट में बनेगा। तो रिसिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, F6। तो यहाँ से मुझे F6 प्रेस करने होंगे यानी रिसिप्ट में जाने होंगे। तो F6 पे हम जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये रिसिप्ट वाउचर मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब रिसिप्ट वाउचर जब ओपन हो जाएगा तो हम लोग इसमें पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में हम लोग यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे, किसका, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का। तो इसके लिए क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेज़र बनाना है इंटरेस्ट रिसिप्ट। दोस्तों ये इंटरेस्ट रिसिप्ट का जो लेज़र है वो पैसा आपके पास आ रहा है, तो जब भी पैसा आता है तो इसका लेज़र इनडायरेक्ट इनकम में होता है, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल होगा और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये आपका जो है कि लेज़र बन जाएगा। अब अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा कि कितना अमाउंट आप रिसिप्ट कर रहे हैं, तो मुझे अमाउंट देखना है कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 2000 रुपया। तो हम यहाँ पर तुरंत 2000 रुपया टाइप करेंगे, देन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो ये पैसा कैश में रिसिप्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे कैश डालेंगे, और कैश डालने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट। अब दोस्तों ये नरेशन लिखने के बाद हम इसे इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैश पेड टू राज 6000, राज को 6000 रुपया आपको कैश के रूप में पेमेंट करना है। ये पैसा जो पेमेंट होगा वो कैश में होगा। अब ये कैश में पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो कैश में पेड करने के लिए ये तो पेमेंट में हम लोग डालेंगे इस वाउचर का एंट्री। अब दोस्तों पेमेंट में डालने के लिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो जर्नल एंट्री जो हम लोग करेंगे वो होगा हम लोग का जर्नल एंट्री। डेबिट में क्या होगा, पैसा ये पेड हो रहा है
तो पैसा आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब भी पैसा जाता है दोस्तों, तो पैसा जाता है तो हमेशा क्रेडिट के सामने होता है कैश। तो अगर हम इसका डीआर और सीआर करें तो पैसा मेरा जा रहा है, पेड हो रहा है, तो पेड हो रहा है तो क्रेडिट के सामने कैश, और डेबिट के सामने क्या चीज़ का पैसा है, तो राज को पेमेंट किया जा रहा है, तो डेबिट में हो जाएगा राज। तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब इसको जो है कहाँ बनाएंगे हम लोग, अपने टैली प्राइम के तो A5 में, क्योंकि यह पैसा पेड किया जा रहा है और पेमेंट करने का एंट्री हमेशा A5 में होता है, यानी पेमेंट में होता है। तो आइए हम टैली प्राइम को ऑन करते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। अब दोस्तों आपको पेमेंट खोलने के लिए A5 प्रेस करना होगा, आपकी पेमेंट यहाँ पे खुल जाएगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट की वाउचर आपकी ओपन हो गई है। अब आपको करना क्या है, पेड करना है पैसा, तो पैसा पेड करना है तो डेबिट में हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो ये पेड जो हो रहा है वो क्या चीज़ पेड हो रहा है, राज को पेड हो रहा है, तो डेबिट में मुझे राज का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद एक राज का लेज़र बनाएंगे, राज लिखेंगे। अब नेम में मैंने राज लिखा, अब राज का लेज़र कहाँ जाएगा, तो राज का लेज़र संडी डेटर्स में जाएगा। जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने का लेज़र आपको संडी डेटर्स में ही डालना है। तो संडी डेटर्स में डालेंगे, देन इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन को नो करते हुए और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना पेड कर रहे हैं, तो एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, अमाउंट जो है वो अमाउंट है 6000, तो हम 6000 को यहाँ पर डाल लेते हैं, 6000 रुपया, फिर एंटर करेंगे। अब क्रेडिट में ये पैसा कैश के रूप में हो रहा है, क्योंकि चेक द्वारा नहीं हो रहा है पेमेंट, तो कैश हो रहा है, तो हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राज, राज को ये पैसा आपका पेमेंट हो जाएगा। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो बन गया है, राज को पैसा आपने पेमेंट कर लिया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड का मतलब होता है जमा करना। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे होते हैं तो ये डिपॉजिट कहलाता है। तो डिपॉजिट करने का हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। तो आइए देखते हैं, अगर इससे पूछा जाएगा कि डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा, तो जब भी हम पैसा डिपॉजिटेड करते हैं, मतलब जमा करते हैं, तो जमा करेंगे तो पैसा मेरे पास से जाएगा, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश, और पैसा जा कहाँ रहा है, तो बैंक में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक। बिल्कुल आसान है। तो डेबिट में बैंक और क्रेडिट में कैश। अब ये बनेगा कहाँ अपने टैली प्राइम में, तो जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होता है, चाहे वह बैंक में पैसा जमा करना हो, बैंक से पैसा निकालना हो, तो उसकी एंट्री A4 में होती है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा बोलते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, डेबिट में हो जाएगा आपका बैंक और क्रेडिट में कैश। टैली प्राइम को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। कॉन्ट्रा खोलने का शॉर्टकट की होता है F4, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रा ऑन हो जाएगा। पहले आपसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में आपको डालना है कैश। कैश डालने के बाद अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हम एक बार चेक कर लेते हैं, ₹1500 आपको डालना है। तो चलिए ₹1500 हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, देन इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये पैसा कहाँ जमा हो रहा है, तो बैंक में हो रहा है, तो आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा बैंक का। इसके लिए आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन में, इंटर करना है, देन क्रिएट में जाने के बाद आपको एक बैंक की लेज़र बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम एक लेज़र बना लेते हैं बैंक का। बैंक का जो लेज़र होता है दोस्तों, वो अंडर जाता है बैंक अकाउंट में, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे BANK बैंक, अंडर डालेंगे हम इसे बैंक अकाउंट में, और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और कोई डिटेल्स हम नहीं डाल रहे हैं। इंटर करने के बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे तो ये पूछेगा कि आप 1500 में कितने का नोट डाल रहे हैं, तो 500 का हम 3 नोट करते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद नरेशन लिखेंगे BEING कैश डिपॉजिट, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको डिपॉजिट करने की एंट्री हो जाती है आपको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो रेंट पेड बाई चेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेंट पेड किया जा रहा है बाई चेक के थ्रू, तो हम पहले तो इसको भाउचर बना करके और चेक पेमेंट अलग करेंगे। तो पेड पेमेंट के लिए हम एक पेमेंट का भाउचर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका पहले डेबिट क्रेडिट करना बता देते हैं कि डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो दोस्तों डेबिट क्रेडिट अगर पूछा जाए इसकी, तो पहले इससे पूछा जाएगा आपको DR, तब पूछा जाएगा आपसे CR। अब देखिए रेंट पेड हो रहा है, तो रेंट पेड हो रहा है लेकिन बाई चेक के रूप में हो रहा है, चेक के रूप में रेंट को पेमेंट किया जा रहा है, तो ये पैसा आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। तो पैसा जा रहा है लेकिन चेक के रूप में जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट में बैंक, और क्या चीज़ में पैसा जा रहा है, तो रेंट में, तो डेबिट में हम लिखेंगे रेंट पेड, चाहे रेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं।
अब इसको हम लोग बनाएंगे कहाँ पे, तो बनाएंगे तो हम लोग F5 में ही, लेकिन F5 से पेमेंट खुलता है। हम लोग F5 को दो भागों में बांटेंगे बिकॉज ये चेक पेमेंट किया जा रहा है। तो एक तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा पेमेंट, और एक हो जाएगा आपका बैंक पेमेंट। अब दोस्तों ये कैसे होगा, एक हो जाएगा बैंक पेमेंट। अब F5 जो है आपका, इसे डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट पेमेंट खुलता है, लेकिन मुझे एक भाउचर बना करके बैंक पेमेंट का भाउचर बनाना होगा। इससे क्या होगा कि हम चेक का पेमेंट उस बैंक पेमेंट में करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे करते हैं। टैली प्राइम कौन करेंगे, सबसे पहले हम एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद भाउचर टाइप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जाएंगे। हम लिखेंगे बैंक पेमेंट, सॉरी BANK पेमेंट, इंटर करेंगे। ये अंडर हम इसे डालेंगे पेमेंट में, बैंक पेमेंट अंडर पेमेंट में डाल करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चीज़ इसमें नहीं करनी है। एस्केप से बैक जाना है। अब आपको जाना है भाउचर में, इंटर करना है। अब जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो पहले जो था कि डायरेक्ट पेमेंट खुल जाता था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे तो डायरेक्ट पेमेंट खुल रहा था, लेकिन अब दो भाउचर खुलेंगे, बैंक पेमेंट और पेमेंट। तो जब भी अगर आपको कैश में पेमेंट करना होता है तो वो आप पेमेंट में डाल लीजिए, लेकिन जब भी आपको चेक के थ्रू करना होता है, चाहे UPI या बैंक किसी भी माध्यम से कैश छोड़ करके, तो आप उसे बैंक पेमेंट कर ले, इंटर कर ले। अब ये बैंक पेमेंट का भाउचर खुल जाएगा। अब आपसे डेबिट पूछा जाएगा कि पेमेंट कर रहा है तो डेबिट में क्या होगा। तो डेबिट में होगा ये पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, रेंट पेड, सॉरी देख लेते एक बार, रेंट पेड कर रहा है बाई चेक के थ्रू, तो डेबिट में रेंट हो जाएगा। तो डेबिट में हम यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और एक लेज़र बना लेंगे रेंट का। ये रेंट का लेज़र जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हम एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट है 5,000 रुपया, तो हम यहाँ पे 5,000 रुपया टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब क्रेडिट में क्या होगा आपका, तो बैंक होगा, तो हम यहाँ पे बैंक का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसे इंटर करेंगे और इंटर करके एक नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, और ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से रेंट पेड का जर्नल एंट्री आपको हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगला क्वेश्चन है, वो है परचेज ऑन गुड्स। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। अब कोई सामान आप परचेजिंग कर रहे हैं, गुड्स मतलब कोई सामान होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, हम यहीं पर बना लेते हैं। अब ये परचेज ऑन गुड्स है 10,000 रुपया का, तो इसका डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो आपसे पूछा जाएगा डीआर और सीआर। तो ये परचेज कर रहे हैं तो पैसा आपका क्या हो रहा है, परचेज करते समय पैसा जाता है, तो पैसा जा रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट में कैश, और ये किस रूप में किस काम के लिए जा रहा है पैसा, तो हम क्या कर रहे हैं परचेज, तो डेबिट में परचेज और क्रेडिट में कैश होगा। अब आइए इसे टैली प्राइम में बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे, तो टैली प्राइम को यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। परचेज का शॉर्टकट क्यों होता है F9, हम यहाँ से F9 प्रेस करते हैं। अब डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो चेंज मोड पर जाएंगे, और चेंज मोड पर जाने के बाद यहाँ से एज वाउचर पर क्लिक करेंगे, देन इंटर करेंगे। अब आपको डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा, सप्लायर्स नंबर डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी ने यहाँ पार्टिकुलर पूछ रहा है, तो पार्टिकुलर में आपको क्रेडिट पहले पूछ रहा है, तो आपको क्रेडिट में क्या डालना है, कैश डालना है, देन इंटर करना है। इंटर करना है अमाउंट 10,000। इंटर करने के बाद एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज का लेजर नहीं है, तो हम क्रिएट में जा करके और एक लेजर बनाएंगे परचेज का। दोस्तों परचेज का लेजर हमेशा परचेज अकाउंट में ही जाता है, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं BEING गुड्स परचेज, और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट होता है सेल्स का ट्रांजैक्शन। जब आप कोई सामान बेच रहे होते हैं तो उसे सेल्स बोलते हैं, तो सेल्स जब भी हम करते हैं तो डेबिट में हमेशा आपका क्या होता है, कैश होता है। डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, तो क्रेडिट में हो जाएगा सेल्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करेंगे और इसे डालेंगे सेल्स अकाउंट में। तो हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद सेल्स करने का एंट्री सेल्स में होता है, तो यहाँ से हम सेल्स बटन को खोल लेते हैं। सेल्स खोलने के बाद यहाँ से भाउचर नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाउचर के लिए चेंज मोड पर जाएंगे। चेंज मोड पर जाने के बाद एज भाउचर पर क्लिक करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसे सबसे पहले डेबिट पूछा जाएगा, तो ये कैश में हम सामान ले रहे हैं तो डेबिट में हम कैश डालेंगे। इंटर करके आगे बढ़ेंगे।
इंटर करने के बाद अमाउंट पूछा जाएगा, तो अमाउंट 12,000 रुपया था, 12,000 रुपया डालेंगे और क्रेडिट में मुझे सेल्स का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम क्रिएट बटन पर क्लिक करके एक लेज़र बनाएंगे सेल्स का। दोस्तों सेल्स का लेज़र अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे हम बींग शोल्ड लिख करके एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारे जर्नल एंट्री आपके बन चुके हैं। अगर इसे आप देखना चाहते हैं तो बैक जाना होगा और जस्ट आपको वाउचर के नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, डे बुक, तो डे बुक पे क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के किस अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।